हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर आदर्श में। आज का वीडियो भी पबजी लाइट गेम प्ले वीडियो। तो आज हम उतर चुके ओल्ड बेसिन और मुझे यहाँ यूएमपी मिल चुकी है। तो एक यूएमपी लूटने के बाद मैं सीधा आता हूँ इस बिल्डिंग में, क्योंकि मेरे पास लेवल 2 का वेस्ट है लेकिन हेलमेट कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ एमओ जब लूट रहा था तो मुझे एक एनिमी स्पॉट होता, तो मैं इसको इजीली नॉक करके अपनी हेलमेट और बाकी की लूट के लिए ओल्ड बेसिन में इधर उधर भटकने लगता हूँ, और मुझे एक्सटेंडेड भी मिल जाती है यहाँ। तो मैं यहाँ अब हेलमेट की तलाश कर रहा था, तो इतने मेरा एक किल हो चुका है। आप देख सकते हैं जिस बंदे को मैंने नॉक किया तो उसको मेरे टीममेट ने किल कर दिया। तो अब मेरे पास अभी भी हेलमेट नहीं है, तो मैं इधर उधर देखता रहता। तो मैं स्पॉट करता हूँ कि एक बंदा जो है वो पीक TPP ले रहा होता है सामने जो स्क्वाड हाउस है, तो मैं उसको यहाँ से आराम से रेड डॉट लगा के उसको भी किल कर देता हूँ। तो यहाँ तक मेरे 2 किल हो गया, और आखिर में ओल्ड बेसिन में मुझे हेलमेट लेवल 2 का मिल जाता है। तो मैं ओल्ड बेसिन जब ऑल क्लियर हो जाता तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ ओल्ड बेसिन में मेरा एक टीममेट कम्प्लीटली नॉक और किल हो जाता। तो हम आ जाते हैं 3rd A साइड। तो यहाँ भी मेरे पास स्कोप के नाम पे घंटा कुछ नहीं था, स्कोप ना होने की वजह से मैं किसी भी बंदे को स्पॉट तो कर ले रहा था लेकिन उनको किल करने में और डैमेज देने में दिक्कत होता। आपको पता होगा कि जितना बढ़िया स्कोप रहता है उतना बढ़िया हम एनिमी को स्पॉट करके उतना अच्छा किल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्कोप तो थी नहीं, तो रेड डॉट इस्तेमाल करना पड़ा। और भाई साहब यहाँ मतलब तकरीबन मैंने 1 मिनट बिताएंगे 3 बंदे को नॉक करने के लिए। मतलब एक तो पहली बार सामने स्क्वाड थी, मैं अकेला था, तो मैं चाहता तो रस कर सकता था लेकिन रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई बढ़िया गन भी नहीं थी। AKM थी लेकिन मैं उससे डैमेज नहीं दे सकता उतना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रुकाल होता है AKM। तो इसलिए मैंने कहा किसी बंदे को नॉकआउट कर लूँ तब मैं यहाँ जाता। तो एक बंदे को मैं नॉकआउट करता हूँ, वो बंदा पता नहीं कि उस पेटी के पास जाता, और जैसे ही मैं उसे डैमेज देता हूँ वो वापस आ सकता है। आप देख सकते हैं मैंने देखी वो फिर वापस गया, फिर मैंने उसको डैमेज दिया, फिर वो पेड़ के पीछे आके पता नहीं क्या ही करता है भाई साहब वो बंदा, वो ही जाने। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मैं जब बहुत देर तक मैंने फायर किया लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं अब सीधा रश कर जाता हूँ। तो मुझे एक एनिमी स्पॉट होता है, मैं उसको डैमेज देता हूँ लेकिन वो भी नॉक नहीं होता, और मेरे पास एमओ भी देख सकते बहुत। तो यहाँ मुझे थोड़ी डैमेज मिलती है, तो मैं यहाँ जम करके मैं उस बंदे को सीधा नॉकआउट करने के लिए चल देता हूँ। तो यहाँ तक मेरे 3 किल हो चुके हैं, और मैं एक बंदे को 20 टेके करके इसको नॉक कर देता हूँ, और ये मैं अंदर अंधाधुंध रश कर देता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म था कि ये अकेले थे, शायद मैंने इसे मार दी। तो मैं यहाँ AKM का भी इसको कुछ शॉट देता हूँ, लेकिन अब मैं इतना तो क्लियर था कि वो बंदा अकेले, तो इसलिए मैं अंधाधुंध रश कर देता हूँ बिना कुछ देखे। और मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ तो क्या ही सीन होते हैं आप देखिएगा। तो ये देखिए भाई साहब, मतलब रिवाइव खेला जा रहा था। तो मैंने एक बंदे किल किया और उसके साथी को भी नॉकआउट कर दिया। तो यहाँ स्मोक उसने शायद किया था, तो मैं स्मोक की वजह से अंधाधुंध फायर करता हूँ। मैं देखता ही नहीं कि मैंने एनिमी को किल किया कि नहीं, मैं बस उस पर अंधाधुंध फायर करता रहा। और मेरी हेल्थ देख सकते हैं लोग है, तो मैंने बैंडेज वैंडेज अप्लाई किया। तो मैं कुछ देर अपने आप को हील करने के बाद लेवल 2 का बैकपैक आप देख सकते हैं अब मुझे मिला है बैकपैक। तो मैं अपने आप को हील करता हूँ, मैं इस सोच में था कि अब चल के उस बंदे का किल ले लिया जाए जिसको मैंने नॉकआउट किया। तो मैं इसलिए नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद क्या ही गलत सीन होते देखिए। मतलब वो बंदा पता नहीं कहाँ चला, तो मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ भाई साहब वो बंदा कहाँ गया। तो मैं टीम पे करके माइक ऑन करके मैं पूछता हूँ भाई साहब वो बंदा तुमने किल किया कि कहीं चला गया। तो मेरा टीममेट कहता है भाई मैंने तो नहीं मारा, तो मैं अभी देखिए बात करूँगा उससे। भाई वो बंदा मैं ढूँढ रहा हूँ अभी, वो कहाँ है फिलहाल। तो मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ भाई तुमने नॉक किया नहीं, तो मैं इधर उधर घूमता तो मैं देखता हूँ भाई साहब वो घुटनों के बल चले जा रहे हैं। मतलब कितना घुटनों के बल गिरोगे यार, अब तो गिर चुके हो। तो मैं यहाँ 3rd Hill पे भी लगभग लगभग अब सब क्लियर हो गया। तो अब हम जोन की साइड आ जाते हैं, और यहाँ तक मेरे 5 किल हो चुके हैं, और यहाँ आखिर जोन बनता वेयर हाउस साइड। तो यहाँ मैं एक गाड़ी जाती पूरी एनिमी से भरी हुई, तो मैं उस पर फायर करता हूँ लेकिन उनको डैमेज नहीं दे पाता। तो देखिए क्या ही गाड़ी कितनी तेज़ी से भाग रही है, मतलब पूछो ही मत। तो मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं उसको डैमेज नहीं दे पाता। तो यहाँ से मैं एक बंदे को स्पॉट करता हूँ कि वो बंदा अकेले है जो कि जोन के बाहर से उछल कूद करते हुए रमैया वस्ता वैया गाते हुए जा रहा है। तो मैं सीधा प्रोन करके उसके ऊपर फायर करके उसको नॉकआउट कर देता हूँ। देखिए जंपिंग जपोंग जंपक जंपक कर रहा था, तो मैंने उसको नॉक कर दिया। तो इसके बाद मैं उसको सिक्योर भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आखिरी मौके में कोई बंदा रिवाइव पा के मुझे मार दे। तो इसलिए मैंने कहा कि जिसको भी मारना है उसको कम्प्लीटली किल कर देना है। अब हम यहाँ से फिर से उठते हैं और चल देते हैं आखिरी जोन में, क्योंकि जानते हैं भाई साहब पबजी लाइट का जो अपडेट के बाद जो ही डैमेज दे रहा है जोन पूछिए मत। मतलब अगर आप
10 सेकंड भी रुक गए ना, आपकी पूरी हेल्थ को ख़त्म कर देंगे। मतलब आप सीधा नॉक हो के मिलेंगे। अगर आप स्क्वाड में खेल, अगर सोलो खेल रहे तो पेटी ही बनेगी, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। तो यहाँ मैं आखिरी जोन वेयर हाउस, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बेस्ट पार्ट। और इस पार्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। मतलब क्या ही सीन, मतलब ये सीन आपने, मतलब मुश्किल से हज़ारों वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा तो इस गेम प्ले में। तो मैं यहाँ वेयर हाउस में आ जाता हूँ, तो अब 7 बंदे बचे थे टोटल और 3 मैं था, तो 4 एनिमी के होंगे। तो यहाँ आखिर में मुझे स्कोप के नाम पे स्कारल मिल जाती, गन के नाम पे। तो स्कारल लेके मैं रिलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो UMP थी उसकी एमओ बहुत ही कम थी, मतलब 40-50 एमओ थी। और इतने में हमारे टीममेट नॉक हो जाते हैं। तो मैंने एक मॉली फेंकी थी, तो उससे देखिए क्या ही धमाका होता, लेकिन कोई भी बंदा नॉक नहीं। तो मैं यहाँ एक बंदे को नॉक कर देता हूँ स्कारल से, और फिर मैं एक नेड खींचता हूँ। मतलब मैंने पिछली वीडियो गेम प्ले वीडियो में बोला कि भाई मुझसे बढ़िया नेड कोई कर दे तो बता देना। तो मैंने यहाँ नेड खींचा और देखिए भाई क्या ही होता, मतलब पूरी स्क्वाड ख़त्म, मतलब पूरा ऑल डेड और चिकन।